ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल में पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम को सीबीआई ने और उसके बाद मंगलवार को कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे डीके शिवकुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महीने में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की ये दूसरी घटना है। चर्चा चल रही है कि अगला नंबर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का आ सकता है। 2017 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त मामले का स्टिंग सामने आया था। इसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद सीबीआई ने हरीश रावत के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई द्वारा मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की गई, जिसमें कहा गया कि इस मामले में सीबीआई की प्रारंभिक जाँच पूरी हो चुकी है। इस मामले में सीबीआई हरीश रावत की गिरफ्तारी करना चाहती है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है। इसके बाद साफ हो गया है कि रावत पर गिरफ्तारी की गाज कभी भी गिर सकती है। डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के आला नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी ईडी या सीबीआई और एक मीडिया को चुनिंदा व्यक्तियों को निशाना बनाने वाली एजेंसियों का उपयोग करके सरकार द्वारा निकाले गए प्रतिशोध की राजनीति का एक और उदाहरण है। राहुल गांधी ने पूर्व मंत्री पर की गई कार्यवाही को बदले की कार्यवाही बताया। वहीं कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आर्थिक संकट और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए विरोधी नेताओं, खासकर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा, सरकार के कुशासन और विफलता पर से ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। शिव कुमार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कर्नाटक में विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने की कोशिश की। पिछले 5 साल में विपक्ष के एक भी नेता को अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस दमन से डरने वाली नहीं है। भारत के लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए एक प्रमुख विपक्षी पार्टी की तरह हम आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को बने 96 दिन हो गए हैं, लेकिन दमन, अत्याचार और अराजकता इस सरकार की कहानी बयां करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कमजोर हो चुकी है और मुद्रा योजना ऐतिहासिक रूप से विफल रही है। वहीं कश्मीर मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक ज्वालामुखी की तरह है जो फटने को है, लेकिन सरकार के बाद इस मैन मेड डिजास्टर को हल करने की कोई नीति नहीं है। सूत्रों के अनुसार सरकार पर कटाक्ष करते हुए हरीश रावत ने कहा, वैसे तो सीबीआई की जांच में अभी तक हमने हर तरीके से सपोर्ट किया है, उन्होंने जब भी बुलाया है हम गए हैं। फिर भी सीबीआई से हमारा अनुरोध है कि अगर हमें गिरफ्तार करना है तो हमें उत्तराखंड से पकड़कर और हथकड़ी लगाकर ले जाएं। उत्तराखंड की जनता को भी पता चले कि हरीश रावत ने कौन सा अपराध किया है जिसके चलते पूरी सत्ता उनके पीछे पड़ी है। सीबीआई के दुरुपयोग का हमारा मामला उदाहरण बन सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।